हेलो फ्रेंड्स, कविता स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बैक डिजाइन ब्लाउज। कैसे कटिंग करते हैं, कैसे स्टिचिंग करते हैं, वो आप लोग देखिए और सीखिए। पहले हम इसका इसका लंबाई लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ब्लाउज का लंबाई 14 इंची है, तो 14 इंची है और मेन फैब्रिक यहाँ पर है, तो इसी पर हमको बनाना है। तो इसमें हम बनाएंगे, इस पर हम 2 इंची एक्स्ट्रा लेकर ही बनाएंगे। तो मेन फैब्रिक साइड करेंगे, अस्तर पर ही हमारा कटिंग होगा। अब यहाँ से इसका सीना आ गया, सीना इसका 36 इंची है, तो एक चौथाई हमारा 9 इंची यहाँ पर आ गया। इधर से भी हम लेंगे 9 इंची यहाँ पर आ गया। इस निशान को हम यहाँ से ऐसे करके सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हम इसका तीरा लेंगे 5 इंची यहाँ पर आ गया। इसका लंबाई भी लेंगे 5 इंची यहाँ पर आ गया। इधर निशान लगाएंगे, इधर भी निशान लगाएंगे। इस निशान को यहाँ से सीधा कर देंगे। पीछे का बैक डिजाइन बन रहा है, तो 1 इंची पर हम इसका गोलाई बनाएंगे। इसको हम यहाँ से ऐसे लेके ऐसे बनाएंगे, इसको यहाँ से ऐसे बनाना है। अब यहाँ से हम गला बनाएंगे। गला हम यहाँ से 2 इंची पर लेंगे, यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर। पीछे का गला हमारा डिजाइनिंग बन रहा है, तो मैं यहाँ पर 10 इंची पर बनाऊंगी। और यहाँ पर हमने 2 इंची लिया है, तो नीचे भी हम यहाँ से 2 इंची पर ही इसका एक बॉक्स बना देंगे, फिर हम इसी में डिजाइन बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ तक हमारा आ गया। अब यहाँ से हमारा आएगा गला बनाने का। तो यहाँ से मैं 4.5 इंची पर यहाँ से ऐसे लाऊंगी और इसको हम यहाँ से ऐसे करके गला का डिजाइन बनाएंगे। यहाँ से ऐसे और इसको हम यहाँ से ऐसे लाएंगे और यहाँ से हम इसको ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जितना आ रहा है यहाँ से 1 इंची हम बंद रखेंगे। 1 इंची यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ से हमारा जितना आ रहा है उतना लेंगे। तो यहाँ से हमारा आ रहा है, इसको हम हाफ कर देंगे। अब इसी में हमारा डिजाइन बनेगा। तो यहाँ से ऐसे लाएंगे और यहाँ से इसको ऐसे ले जाएंगे। आप चाहे तो इसको ऐसे करके बढ़ा के भी बना सकते हैं। यहाँ से इसको हम इतना कर लाएंगे, तो इस तरह से ऐसे रहने देंगे। अब यहाँ से हमारा 1 इंची पर 1 इंची पीछे में टेकिंग डालेंगे। यहाँ से जितना आ रहा है सीना, उसका 1/4 लेंगे और यहाँ से हाफ कर देंगे। अब यहाँ से हम इसको तीरा का टेकिंग का उठाव 4 इंची देंगे। आधा इंची इधर दबाएंगे, आधा इंची इधर दबाएंगे। यहाँ से हम इसको ऐसे करके बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा निशान लग चुका है, इसी पर हमारा कटिंग होगा। तो पहले हम यहाँ से आर्म होल काटेंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा ये भी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से हम आते हैं गला की तरफ। यहाँ पर लाएंगे। अब यहाँ से हमारा थोड़ा सा बंद ही रहेगा और यहाँ से हमारा गला कटेगा। यहाँ से ऐसे लाएंगे और यहाँ पर भी हम एक कट का निशान लगा देंगे, ये देख सकते हैं इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा पीछे का गला बनके रेडी होगा। और इसका पूरा